नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। आज स्पेशली ये वाली हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, तो सत श्री अकाल है मेरी सबसे छोटी, मेरी प्रशंसक तो नहीं बोलूंगी, इज ओनली 6 years old, और उसकी मामा की कल मैसेज आई थी फ्रॉम लुधियाना दैट कि आप वो वाली माला नमस्कार सत श्री अकाल आदाब ऐसे करके क्यों नहीं बोलते हो। मेरी बेटी जो है वो बोल रही थी माला आंटी सत श्री अकाल क्यों नहीं बोलती है। तो पूजा बेटे आपके लिए बहुत 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 प्यार, सत श्री अकाल, बहुत खुश रहो। तो आज इसीलिए यहीं से शुरू किया श्रृंगार का तामझाम, सजना है मुझे सजना के लिए। आज जो है लिटरली ये चीज को मैंने सजाया, तो हालत था कुछ देर पहले की बात है। आप एक मिनट देखिए, आप थथरा उठेंगे। आप वो वाला सीन देखिए, तब तक मैं यार मजुमदार आए हैं, चाय कॉफी बिठाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और हाँ, आज के व्लॉग भी रहेगी 24 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है उसके रिलेटेड, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी रिलेटेड बहुत ही प्यारी टिप। जो गाइस आज मुझे आपको बहुत सारी चीजें भी दिखानी है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, वो सब चीजें भी दिखाती हूँ। चलिए चलिए, और थैंक यू सो मच मेरे कल के शॉपिंग व्लॉग को इतना सराहने के लिए। आप देखिए इस मिरर मिरर ऑन द वॉल की क्या दुर्दशा थी, और किस तरह से जब प्रिंस लोग अभी कुछ देर पहले सोए हुए थे मैंने उसको कैसे करके क्या साफ किया, और डिक्लटर तो हुआ, कितनी गंदगी निकली वो देख के ना आप हैरान रह जाओगे। तो मिलते हैं कॉफी के साथ, आप भी जल्दी जल्दी बना लीजिए चाय कॉफी जो भी है, फिर भी मक के साथ चीयर्स करके बात करेंगे, ठीक है। वैसे ये तो बिल्कुल सही बात है कि सारी चीजें पॉसिबल है कॉफी और लिपस्टिक के साथ, बट देखिए इतनी गंदगी क्या पॉसिबल है झेलना। देखिए कितना गंदा था मेरा ये ड्रेसिंग टेबल, जस्ट सी, मैंने तो एक एक कोने में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ ये देखिए। सो आज मैंने ठान लिया कि जो ट्विंस जो हैं वो सोए हुए हैं, तो लेट मी डू दिस क्लीनिंग। तो एक टब मैं लेकर हमेशा रखती हूँ, उसमें क्या होता है ना, इट इज़ ईजी टू पिक अप एवरीथिंग टुगेदर, ऐसे करके मैं सब एक साथ में लेने का ट्राई करती हूँ, नहीं तो एक एक करके ना बहुत आपका एफर्ट जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने अपना टेबल, ड्रेसिंग टेबल जो है वो खाली किया। मेरा जो ये ड्रेसिंग टेबल के लिए मुझे बहुत सारी मैसेजेस आती हैं कि ये कहाँ से है, दिस इज़ फ्रॉम आइकिया एंड द पैटर्न इज़ गोथिक वैनिटी बोलते हैं इसको, आपको आइकिया, मैंने ये आइकिया कनाडा से लिया है। और देखिए खाली करने के बाद आपको और दिखेगा कि कितना गंदा था। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो इस तरह से मैंने इसको खाली करके सब जो पास में टेबल है वहाँ पे सारी चीज़ें रखी, और एक एक करके पहले मैंने जो है ड्राई कपड़े से इसको सुखाया, देन जो है कॉलिन जो यहाँ विंडेक्स मिलता है, विंडेक्स और पेपर टिश्यू से इसको पूरा इस तरह से साफ कर लिया, और फिर अगेन ड्राई कपड़े से साफ किया, और अब देखिए धूल का ध भी नहीं है। सो लाइक। चलिए अब इसको सजा लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये ब्लेस्ड चीज़ जो है ये भी एक चॉपिंग मेरी कटिंग बोर्ड थी जो कि फट गई है, पुरानी हो गई थी, इसको मैंने इस तरह से DIY करके ब्लेस्ड लिख दिया। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी मेकअप वगैरह में आपको मेरा सामान मिलेगा ही नहीं, ऑल सीटाफिल बेबी की सब चीज़ें रहती हैं। हाँ लिपस्टिक्स का मुझे बहुत शौक है एंड मोस्टली द न्यूड कलर्स मैं लगाती हूँ, ब्राउन में रहती है। तो इस तरह से मैंने देखी एक एक करके सब साफ कर करके रख दिया। और ये मेरा सिंदूर का कटोरी है, इसमें मैंने अपनी सिंदूरदानी, गणपति और एक शंख सजाया हुआ है। तो इस तरह से अब आई लिपस्टिक्स की बारी, उनको भी क्लीन करके रख दिया। और अब आई मेरी परफ्यूम्स की बारी। जी हाँ, मुझे महक, मेरी महक बिटिया रानी तो पसंद है ही है, मुझे महक भी बहुत पसंद है। एक एक करके सारे परफ्यूम्स निकाले, उनको किया साफ, और एक एक करके वो उनमें भी ना बहुत धूल जमा हो गई थी। असल में क्या है पता है, हमारे घर के आगे ही ना दो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी खिड़की खोलो ना बहुत धूल आती है। बताइए तो इसमें क्या है? हाँ इसमें है ये रेशमी पाजेब के, ये ना मुझे यार मजुमदार ने हमारे 2 साल पहले एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। चलिए अब इसके साथ मैंने रबर बैंड्स को भी सब एक साथ रख दिया एंड आई एम ऑल डन। तो अब लगे हाथों ये देखिए कितना कचरा निकला, अभी आपको टब में दिखेगा। तो मैंने सोचा लगे हाथों ये टेबल को भी थोड़ा सा साफ कर दूं, और वो जो चेयर में जो कपड़े बिखरे हुए हैं उनको भी मैं समेट लूं, तो ये जगह जो है बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इस तरह से कपड़े कर दिए फोल्ड एंड आई एम ऑल डन। तो यस, हेलो गॉर्जियस ऑल माई सब्सक्राइबर्स। और आप देखिए
इसकी रिफ्लेक्शन तक पड़ रही है, ये रिफ्लेक्शन थी, मतलब इतना साफ हो गया है कांच। तो माई गोथिक वैनिटी इज ऑल क्लीन, सुपर क्लीन। सो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मोटिवेशन मिली कि नहीं, कि अगर आपका ड्रेसिंग टेबल भी है थोड़ा थोड़ा सा गंदा तो आप लोग भी साफ सफाई कर लीजिए। और जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब। और मजूमदार बोल रहे थे कि मैं बना देता हूँ कॉफी, वो देखिए वो बना रहे हैं कॉफी। तो मैंने कहा आप लोगों को अब एक एक करके चीजें दिखाती हूँ। सबसे पहले लहसुन का साग निकल आया, याद है ना मेरा हाउ टू ग्रो हर्ब्स इन द किचन, मैंने 5-6 हर्ब्स दिखाए थे, तो लहसुन बोया था। ये देखिए आप लोगों में किन किन ने लहसुन बोया है, मुझे जल्दी जल्दी से पिक्स बताइएगा और कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपने देखा ड्रेसिंग टेबल की क्या हालत थी और अब वो कितना अच्छा हो गया है। आई होप ये वीडियो देखकर जो जो लेडीज, जो जो मेरी फ्रेंड्स और जो जो कॉलेज गर्ल्स अपने ड्रेसिंग टेबल, अपने वैनिटी एरिया को सोच रही थी यार बड़ा गंद मचा हुआ है, बड़ा गंद मचा हुआ है, आप लोगों को आई होप मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग भी उसको साफ करके मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अब आइए एक और चीज दिखाती हूँ। बोल रही थी ना प्लांट मॉम, सो यस आई एम अ प्लांट मॉम, सो लव ग्रोज हियर। इसको यहाँ लगा दिया और आज थोड़ी देर वेट करिए, खैर यहाँ पे रात होते होते तो 9:45 बज जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं देखती हूँ व्लॉग एंड आज 9 बजे के बाद करूंगी, क्यों करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 9 बजे तक मैं ठहर जाती हूँ। ठक 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 आवाज हो रही है कॉफी फेंटने की। सी This one is, if you remember the egg avocado salad जो मैंने दिखाया था व्लॉग में, याद आया? ये उसका ही सीड था जो मैंने इस तरह से बोया था। And see, yay! Water propagation में दिया था avocado का सीड और see इसमें जड़ आ गई, छोटा सा प्लांट भी हो रहा है देखिए। You know, these things are the real happiness, ना जब आप इस तरह से लाइफ को ग्रो करते देखते हैं कि कैसे एक मोटे एवोकाडो के सीड से, टच वुड, देखिए कितना प्यारा ये जड़ है। मुझे ये आप लोगों को दिखाना था कि दिस इज रियली यू नो ब्लेसिंग, इसको बोलते हैं होप, है ना। नहीं तो हम लोग एवोकाडो का सीड मैंने पहले कभी भी वाटर प्रोपोगेट नहीं किया, इस बार मैंने बोला कि नहीं मैं करती हूँ। आप अभी एवोकाडो लाएंगे, सीड है उसको तीन तरफ से आपने इस तरह से टूथपिक लगाना है ताकि इसका नीचे का पोर्शन जो है भीगा रहे। और पता है कई लोग बोलते हैं ग्लास के जार में लगाओ, ग्लास होना चाहिए, कांच होना चाहिए, मैंने तो देखी इनकी प्लास्टिक की बॉटल थी उसी में लगा दी, देखिए उसमें भी आ गया। तो इस तरह से आप जो लोग एवोकाडो बहुत यूज करते हैं इस तरह से वाटर प्रोपोगेट प्लीज करिएगा, सीड्स को मत फेंकिएगा और उसे प्लांट बना के लगा दीजिएगा मिट्टी में, है ना। ये एक और अमेजिंग चीज, लहसुन वाला भी बहुत अमेजिंग लगाना। आज मैं आपको सारी अमेजिंग चीज दिखाऊंगी। वो देखिए मेरा नन्ना मेहमान बैठा हुआ है साहब की तरह। अच्छा, और मुझे एक और चीज दिखानी थी, ये मैंने ना अब यहाँ से लिया था आईवी का, मेरे ही प्लांट से लिया था, रूट्स आ गई उसी प्लांट पे से काट काट के मैंने दे दिया था दोनों, देखिए हाउ स्वीट ना। इसको भी लगा दूंगी अब। माय सकुलेंट इज आल्सो ग्रोइंग, माय क्रूटोन इज देयर। ये अब कॉफी पी लेती हूँ मैं, आप लोगों ने बनाया कॉफी, चलिए आप लोग भी कॉफी पीजिए, उसके बाद मैं उस टिप से भी मिलती हूँ जो कि हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। आज ये लोग ना शाम का व्लॉग है ना, तो दोनों भी बहुत खुश है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाती हूँ, आज बहुत चीजें आपको दिखानी है। सी, ये भी मैं कल दिखा रही थी ना, मैंने इसको देखी ऐसे ही, ये टम्बल वीड जो लाइट थी मेरे पास उसके साथ मैंने कर दी। अभी नहीं, मैं थोड़ा सा रात होगा तब इसको मैं ऑन करके आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, अभी मैं ऑफ कर देती हूँ। दिस टाइम इज वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि हम पांचों एक जगह बैठ के जो है ना बहुत बातें करते हैं शाम में। जब तक कॉफी पी रही हूँ ना, तब तक मैंने स्पेगेटी जो है उसको बॉइल करने बिठा दिया है। आज आपको स्पेगेटी का एक बहुत नया वर्जन, महक का वर्जन बोल सकते हैं, वो दिखाऊंगी, विद प्रॉन्स बनाऊंगी रात के डिनर के लिए। स्पेगेटी जो है ग्लूटेन फ्री भी है, तो एज यू नो माला थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस जो वो है खाने के साथ फिटनेस का भी ध्यान रखती है। तो आधी कॉफी हो गई है वैसे, उसके बाद स्पेगेटी बनाते हुए आपसे मिलते हैं एंड देन गुरु पूर्णिमा की वो टिप भी रहेगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जो लेडीज या जो गर्ल्स जो है मेरी
ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग देख के मोटिवेशन उनको मिली है, मुझे थम्स अप जरूर दीजिएगा, ठीक है। स्पेगेटी के लिए मैंने पानी जो है बॉईल करने रखा, उसमें डाल दिए स्पेगेटी। और देखिए ये थी ग्लूटेन फ्री, इसमें था व्हाइट राइस फ्लावर, ब्राउन राइस फ्लावर, कॉर्न फ्लावर और कीनिया फ्लावर। तो ये थी बिल्कुल ही सुपर फूड वाली स्पेगेटी। तो अब स्पेगेटी हो रही है हमारी धीरे धीरे से बॉयल, और तब तक जब ये बॉयल हो गई तो मैंने पैन में डाल दिया ऑयल और साथ में उसको किया स्ट्रेन और थोड़ा सा ऑयल रख के रख दिया। अब इसमें पहले मैंने प्रॉन वाला स्पेगेटी बनाऊंगी, तो प्रॉन थोड़े से फ्राई किए, साथ में निकाल दिया अलग से सोया सॉस और केचप। फिर जो प्रॉन थे वो थोड़े से मैंने शैलो फ्राई करके निकाल लिए। अब उसी इन्फ्यूज जो प्रॉन वाला ऑयल था उसमें डाल दिया प्याज, प्याज थोड़ा सा नरम हो गया तब डाल दिया इसमें सोया सॉस और केचप, बस और कुछ नहीं। और फिर जब इसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया तो उसमें बॉइल्ड स्पेगेटी डाल दिया इस तरीके से, और जब थोड़ा सा इसको कर लिया मिक्स और उसमें डाल दिया फ्राइड प्रॉन, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक एंड थोड़ा सा हिलाया इसको, और बस हो गया आपका प्रॉन स्पेगेटी इन चाइनीज स्टाइल। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो वाला देखिए ये रूस्टर यहाँ लगा दिया, और जो स्पैरो थी एक और छोटू प्लांटर कल यार मजुमदार लेकर आए मेरे लिए, वो तेल नहीं था ना, उनको बोला था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लाने के लिए वॉलमार्ट से, तो वो वॉलमार्ट के से ये भी लेकर आए इस प्लांटर। नहीं ऑफ कोर्स ये पेड़ नहीं, ये पेड़ महक लेकर आई मेरे लिए मेट्रो से। तो देखिए होप आपको वो जो स्पगेटी विद अ ट्विस्ट आपको अच्छा लगा होगा, इसको इस तरह से जरूर चाइनीज वे में ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। ओके अभी थोड़ा सा अंधेरा तो नहीं बट उतना उजाला भी नहीं है, तो मैं ना आपको वो लाइटिंग करके दिखाती हूँ फिर मैं आपको वो टिप बताती हूँ। बस अभी सारा काम हो गया है, बस मैं एक मिनट में वो लाइट ऑन करती हूँ फिर आप देखिएगा, ठीक है। अभी भी उजाला है बाहर, उतना अंधेरा नहीं हुआ है, वो मैं रात में आज क्लिपिंग लेके आफ्टर 10 PM मुझे लेना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगा ये फेरी लाइट्स। ये भी पता शाइन का ही था, दो फेरी लाइट्स मंगवाई थी ना तो एक मैंने रख दी। ये लाइट वीट साफ सफाई, क्या साफ सफाई, तो हमेशा ही मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल क्लीनिंग का कुछ कुछ देती रहती हूँ। ये सब चीजों से कुछ आप लोगों को हिंट मिल रहा है कि अगला व्लॉग क्या होने वाला है। महक इज गिविंग मी अ ब्रॉड स्माइल बिकॉज वो और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो पिछले 2 महीनों से मेरे पीछे पड़े हैं कि आंटी वी वांट योर अवेटेड। इवन आप लोगों की कई रिक्वेस्ट आई हैं, आती रहती हैं कि माला दी हमको आपका घर देखना है, माला वी वांट टू सी योर होम। आपने बता दिया, अरे आपसे क्या छुपाना। तो मिलते हैं इस व्लॉग के बाद वाले व्लॉग में, दैट इज गोइंग टू बी अ मच एंटिसिपेटेड व्लॉग, दैट इज माय होम डेकोर व्लॉग। जरा आशिया ये चार दीवारें नहीं मेरा दिल है जो कि मैं आप सबसे शेयर करूंगी अगले व्लॉग में। तो चलिए अब चलते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यस द टिप फॉर गुरु पूर्णिमा। ये साडा सूरजमुखी हैगा। सो मैंने सोचा कि सूरजमुखी के पास ही आप लोगों को टिप बता दूं। तो गुरु पूर्णिमा की टिप जो है, नॉट ओनली गुरु पूर्णिमा, एनी पूर्णिमा जो मैंने मैनिफेस्टेशन बताई है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एवरी पूर्णिमा बनानी है खीर। जी हाँ, चावल की खीर बनाइएगा और उसको चांदी के बर्तन में, चांदी के कटोरी में जो है आपने माँ लक्ष्मी के सामने शाम को चढ़ा देना है। अगर आप मान लीजिए सुबह बना रहे हैं तो सुबह ही भोग चढ़ा दीजिए, बट यस इट हैज टू बी सर्व ऑन अ सिल्वर बोल। शाम को संध्या देने के बाद जब सब हो जाए पूजा वीजा, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं इस तरह आपने सबने लेना है उसी बोल से, ठीक है। ये करके देखिए, दिस विल एनहांस योर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी। पूर्णिमा में जो जो मैंने एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पहले बताई है वो जरूर करिएगा और खीर जरूर से बनाइएगा और सब लोग मिल बांट के शाम को खाइएगा। तो अब जाने की बारी आ गई है, जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 लव एंड लाइट में। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हौसला ना बहुत बढ़ता है, मोटिवेशन मिलती है। और जो व्यूअर्स ऐसे ही व्यू करके चले जाते हैं आप लोग प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। अब करूंगी एडिटिंग
और आप लोगों तक पहुंचा दूंगी, वीडियो फटाफट अपलोड कर दूंगी। उसके बाद खीर की पिक्चर जरूर दिखाइएगा, ठीक है, और फीडबैक दीजिएगा और ये वीडियो शेयर करिएगा अपने क्लोज वन से, उनको भी तो पता चले ना गुरु पूर्णिमा में क्या करने से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लक्ष्मी खिंची चली आएगी।